नमस्कार। यदि आपको कोई ऐसी कॉल आती है जो आपको लगता है कि वो फ्रॉड से रिलेटेड है या स्कैम कर रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट से रिलेटेड स्कैम होते हैं, बहुत बार आपको बार बार कॉल की जाती है कि शेयर मार्केट की टिप्स ले लीजिए, या बैंक से कोई लोन के लिए बार बार आपको फ़ोन करके तंग कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, या कोई शॉपिंग कराने के लिए कर रहा है, किसी भी तरह का जो फ्रॉडलेंट कॉल आ रही है, जैसे कुछ कुरियर के नाम पे कुछ लोग फ्रॉडलेंट कॉल करते हैं, तो ऐसी जो कॉल्स आती हैं उनको गवर्नमेंट ने एक सिस्टम दिया हुआ है उनको रिपोर्ट करने का। तो गवर्नमेंट के पास जब आप रिपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेती है, और उस एक्शन का एक बेसिकली एक थ्रेशोल्ड भी होता है। थ्रेशोल्ड इस तरह से होता है कि जैसे मान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर कॉल करने वाले को कई लोगों ने रिपोर्ट किया, वैसे ये थ्रेशोल्ड 4 से 5 के आसपास है। अगर 4 से 5 लोग रिपोर्ट करते हैं तो इस पे गवर्नमेंट बैक एंड पे उसमें एक्शन लेना शुरू कर देती है और उस नंबर को डिसकनेक्ट करती है, या कुछ और अगर एक्शन की ज़रूरत होती है तो करती है। तो ये उस केस के लिए आप रिपोर्ट करने के लिए होता है। मैं भी बताऊंगा कि करना कैसे रिपोर्ट, ये भी आप देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म है, ये वो मैकेनिज़्म है जो आपको कॉल करके परेशान कर रहा है या ऐसा लालच दे रहा है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको रिपोर्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन यदि आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में यदि आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है तो उसको आपको जो साइबर क्राइम की जो पोर्टल है या साइबर क्राइम का जो नंबर है 1930, उस पर आपको रिपोर्ट करना है और तुरंत रिपोर्ट करना है। जैसे ही आपके साथ ऐसा क्राइम हो, साइबर क्राइम मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड वाला क्राइम हो, तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर देंगे। तो अगर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वापस आने के चांसेस होते हैं। तो वैसे उनके यहाँ पर एक गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, 1 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके चांसेस बहुत होते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाए। लेकिन आप 1 घंटे का वेट करने के बजाय इमिडिएटली आप जो है वहाँ पर रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने से आपको पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वापस पैसे मिलने के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपको तंग कर रहा है या आपका आपके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि फेडेक्स का आजकल कुरियर का बहुत बड़ा फ़ोन आता है, या कभी कभी अमेजन का कि भाई डिलीवरी करनी है, उससे आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और या ये जो रीसेल करते हैं प्रोडक्ट OLX, उसके थ्रू आपको कॉल आता है कि भाई हम जो है QR कोड भेज देते हैं और आप हमको पैसा जो है स्कैन करके आप OTP बता दीजिए, और फाइनली मतलब पैसा वो लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर पैसा चला गया है तो 1930, अगर पैसा नहीं गया तो ऐसी कॉल को भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जैसे आप रिपोर्ट करेंगे, 2-4 लोग और रिपोर्ट करेंगे, तो इससे फाइनली कोई ऐसा जो विक्टिम इससे नहीं होगा जिसका कि इससे जो पैसा जो है उसका मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड उससे नहीं हो पाएगा। अगर कई लोग पहले से रिपोर्ट कर देंगे, पहले से रिपोर्ट किए रहेंगे तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेती है, एक्शन ले लेती है तो नंबर बंद हो जाता है, तो वो फर्दर उस नंबर को मतलब बढ़ा नहीं पाता है, प्रोलिफरेशन उससे हो नहीं पाता है। ठीक है, तो अब मैं यही दिखाता हूँ कि ये अगर आपको नंबर ऐसे रिपोर्ट करना है तो कैसे करते हैं। तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसको कि मई 2023 में लॉन्च किया गया था कम्युनिकेशन मिनिस्टर के द्वारा। तो ये इस वेबसाइट का नाम वैसे संचार साथी वेबसाइट है, sanchar-saathi.gov.in। इसी के अंदर एक सर्विस है, उसको बोलते हैं चक्षु। तो चक्षु में आपको रिपोर्ट करना होता है, तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कैसा ये पोर्टल कैसा दिखता है और किस प्रकार से इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, तो ये मैंने अभी ये गूगल का ओपन कर लिया है, तो ये google.com कर लिया हमने, और फिर यहाँ पे आप संचार साथी टाइप कर लें। ये संचार साथी ऊपर ही आ गया, तो संचार साथी में आप लोग क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद देखिए संचार साथी की वेबसाइट ऊपर आ जाती है, लेकिन आप URL भी मिला सकते हैं, sanchar-saathi.gov.in। तो संचार साथी में हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो रही है और इसमें हालांकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनकॉर्पोरेट की गई हैं, लेकिन मैं आपको चक्षु के बारे में बताता हूँ। तो ये है देखिए चक्षु, रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड
कम्युनिकेशन, तो इसको चच्छू बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है चच्छू के बारे में। तो ये यहाँ पर कौन कौन लोग कर रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें ये कहा गया है कि जैसे आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन होता है सिम के बारे में, जैसे 4G सिम अपग्रेडेशन के बारे में लोग फ़ोन करते हैं और फिर फाइनली आपके OTP या कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, KYC अपडेट, डीएक्टिवेशन, इम्पर्सनेशन आप एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस तरह की चीज़ों का बता करके आपको फ़ोन करते हैं। तो ऐसे नंबर को रिपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है कंटिन्यू रिपोर्टिंग में, और फिर यहाँ सबसे पहला है इसमें आपको चूज करना है मीडियम में, मतलब आपको कॉल आई, SMS आया, व्हाट्सएप आया है, कुछ भी आया तो आप रिपोर्ट करिए। जब रिपोर्ट करने से मैं कहूँगा आप जिम्मेदार सिटीजन बनेंगे, जिससे कि और भी लोग इससे इस तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी को चूज करना है, जैसे किस तरह का ये आपके पास आया हुआ है, ऑनलाइन जॉब का आया, फेक कस्टमर केयर आया है, इम्पर्सनेशन एज गवर्नमेंट ऑफिशियल आया है, क्या आया है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट उसका सेलेक्ट करना है। स्क्रीन शॉट मतलब से आपको SMS आया है तो SMS का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या कॉल आया है तो कॉल की हिस्ट्री जो होती है उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप आया है तो व्हाट्सएप का स्क्रीन शॉट ले करके यहाँ पे आपको ये यहाँ पर चूज फाइल जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके उसको अपलोड, तो ये इमेज यहाँ अटैच करने के बाद यहाँ पर वो नंबर आपको डालना है जिस नंबर से कॉल, SMS या जो भी आया हुआ था आपको, तो वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ डेट और यहाँ पे टाइम डाल देना है जिस समय आपको ये कॉल या SMS आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपनी कंप्लेंट के बारे में, कुछ डिटेल डाल देने हैं, और फिर नीचे आते हैं, नीचे आकर के यहाँ अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, और इधर ये लास्ट नेम डालने का ऑप्शन आता है, और नीचे आपको अपना नंबर डालना है। आप अपना नंबर डालेंगे तो इसमें चूंकि OTP आएगा, वेरीफाई करेगा कि आप सही पर्सन हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के नाम पे आप जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, इसलिए ये वेरीफिकेशन OTP के द्वारा होगा। और ये कैप्चा भी आपको फिल करना है, यहाँ पर नीचे कैप्चा फिल कर देंगे, और फिर यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल वाया OTP में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। OTP ऑप्शन आने के बाद आप उसको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई जब कर देंगे तो आपसे वो कन्फर्मेशन मांगेगा कि हाँ आप इस कंप्लेंट को सबमिट करना चाहते हैं, तो उसमें आप ओके करेंगे तो सबमिट करेंगे तो ये कंप्लेंट आपकी सबमिट हो जाएगी। तो बस इतना ही प्रोसेस है इसको करने का। इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट को रिपोर्ट करिए और ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। धन्यवाद।